हम तो न्योता देते हैं सीबीआई इनकम टैक्स के लोगों को, ईडी के लोगों को, कि आओ मेरे घर में दफ्तर खोल लो, तब जा कर के शांति होगी। और तब भी ना शांति हुई हो तो हम उससे ज्यादा हम क्या कर सकते। गुरुग्राम से खबर आ रही है, गुरुग्राम में अर्बन क्यूब्स मॉल पर सीबीआई ने छापा मारा है। बताया जा रहा है कि मॉल तेजस्वी यादव का है। गुड़गांव से लेकर पटना तक लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार समेत नीतीश कुमार के जितने भी खास आदमी हैं, उनके ऊपर आज ईडी और सीबीआई की छापेमारी चल रही है। और ये छापेमारी क्यों चल रही है? क्योंकि आज बिहार विधानसभा में फ्लोर टेस्ट होना है, जहां पर दोनों पार्टियां अपनी अपने विधायकों की गिनती प्रूव करेगी, यानी कि वो अपनी बहुमत दिखाएगी। आज ही के दिन, आज यानी के पटना से लेकर गुड़गांव तक ईडी और सीबीआई लगातार जो उनके खास आदमी है नीतीश कुमार के या लालू प्रसाद यादव के, यहाँ तक कि तेजस्वी यादव तक जो है रडार पर है, उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। देखिए, उत्कर्ष सिंह ने ट्वीट किया है, आरजेडी के नए नवेले राज्यसभा सांसद फैयाज अहमद और पूर्व एमएलसी सुबोध राय के यहाँ भी छापेमारी हो रही है। आरजेडी के चार नेताओं के ऊपर जांच एजेंसी का शिकंजा। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी, अगर बीजेपी की सरकार नहीं है, उसके गठबंधन में सरकार नहीं है किसी भी राज्य में, तो बाकी लोगों की सरकारें नहीं रहने वाली है या बनने वाली नहीं है। इसके अलावा ये देखिए, News24 ने ट्वीट किया, बिहार में आज फ्लोर टेस्ट से पहले आरजेडी नेताओं पर सीबीआई और ईडी की छापेमारी। तो बिहार में जो आरजेडी के सांसद है फैयाज अहमद, उन पर भी ईडी का छापेमारी चल रही। वही सुबोध रॉय, जो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, उनके ऊपर भी ईडी की छापेमारी चल रही है। इसके अलावा ये देखिए, उत्कर्ष सिंह ने ट्वीट किया, ब्रेकिंग, आरजेडी एमएलसी और लालू परिवार के खास सुनील सिंह और राज्यसभा सांसद अशफाक करीम के घर पर सेंट्रल जांच एजेंसी की छापेमारी। आज बिहार में फ्लोर टेस्ट होने वाला है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, जिस तरीके से मोदी और अमित शाह ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये देखिए, पटना से लेकर गुड़गांव तक लालू परिवार के खास लोगों पर छापेमारी चल रही थी। तेजस्वी यादव के बेहद करीबी लोगों तक सीबीआई पहुंच चुकी है। क्या अगला निशाना तेजस्वी यादव होंगे? जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा था कि ईडीआई सीबी हमारे घर पे दफ्तर खोल ले, क्योंकि हमारे पास कुछ है नहीं, और रोज रोज आने से बेहतर है कि वो यही दफ्तर खोल ले और जो उसको करना है करे, उसका नतीजा देखिए। हो सकता है अमित शाह ने उसको सीरियस ले लिया हो और ईडी और सीबीआई को उनके पीछे लगा दिया है। इसके अलावा खबर आ रही है कि गुड़गांव में जो तेजस्वी यादव का मॉल होने का दावा किया जा रहा है, वहां पर भी छापेमारी चल रही है, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले समझिए कि मोदी और अमित शाह जिस तरीके से सरकारें गिराने का काम करते हैं, यही मामला नहीं रुका। इससे पहले अभी हाल ही में मनीष सिसोदिया ने भी दावा किया था कि बीजेपी ने उनको ऑफर दिया है कि वो आप तोड़कर उनके साथ आ जाए और उनके ऊपर जितने भी ईडी और सीबीआई के केस है वो वापस ले लिए जाएंगे और उनको सीएम बना दिया जाएगा। इसके अलावा आज संजय सिंह ने चार विधायकों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि उनके जो चार विधायक है आपके, उनको बीजेपी ने 20-20 करोड़ का ऑफर दिया था कि वो आप छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाए। तो ये ऐसे हालात है, जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, जिस राज्य में बीजेपी की सरकार नहीं है, जहां से बीजेपी को चुनौती मिल रही है, वहां पर उनके विधायक को तोड़ने का काम कर रही है, डराने का काम कर रही है ईडी के जरिए, सीबीआई के जरिए, उन पर जो राजनीतिक मुकदमे हैं वो लगाकर उनको डराने धमकाने की कोशिश हो रही है। और आज बिहार में जिस तरीके से फ्लोर टेस्ट होना है, उसी के चलते दूसरी तरफ जो ईडी है, सीबीआई है, वो लगातार नीतीश कुमार और उनके जो करीबी नेता है, चाहे सुबोध रॉय हो, चाहे सिंह हो, या अशफाक हो जो सांसद है, इन सबके यहाँ पर ईडी और सीबीआई की छापेमारी चल रही है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकतंत्र की क्या हालत बनाकर रख दी है। वहीं दूसरी तरफ गुड़गांव में अर्बन क्यूब्स करके एक मॉल है जो तेजस्वी यादव का बताया जा रहा है, उस पर भी सीबीआई की छापेमारी रेड पड़ी है, वहां पर भी इंक्वायरी चल रही है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके का हालत, जिस तरीके से नीतीश कुमार ने बीजेपी को छोड़ा, क्योंकि वो समझ रहे थे कहीं ना कहीं जो बहुजन राजनीति है वो खत्म होती दिख रही है, और उनका जो पीएम बनने का चांस था वो भी अंधेरे में जाता दिख रहा था, उनको आगे चलकर फ्यूचर नजर नहीं आ रहा था, जिसके चलते उन्होंने
तेजस्वी यादव से गठबंधन किया, बीजेपी को छोड़ दिया। अब जिसका नतीजा ये है कि मोदी और अमित शाह गृह मंत्री लगातार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल करते हुए उनके घरों पर, उनके विधायकों पर छापेमारी कर रहे हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लोकतंत्र की कैसी हालत हो चुकी है। वहीं आपके संजय सिंह, जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बीजेपी को एक्सपोज किया, उन्होंने चार विधायकों को लेकर खुलासा किया है कि उनको भी ऑफर मिला था 20-20 करोड़ का। इसके अलावा जिस तरीके से महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ 50 खोखा के नारेबाजी हो रही है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं जो राजनीति पहले राजनीति होती थी, जिसमें मान मर्यादा होती थी, वो सारी मान मर्यादा ताक पर रखकर, सारे उसूल ताक पर रखकर बीजेपी अब सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि या तो उसकी सरकार हो या विपक्ष जो भी है, जो उसके सामने आंख उठाएगा, जो उससे सवाल करेगा, जो उसको चुनौती देगा, उसको इसी तरीके से ईडी सीबीआई के जरिए डरा धमका कर उसकी सरकार गिराने का काम करेगी। आज बिहार में फ्लोर टेस्ट होना था, वहीं दूसरी तरफ तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के जो करीबी है उनके ऊपर छापेमारी चल रही है। इस पर आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हैं, क्या बीजेपी नहीं चाहती कि देश में विपक्ष रहे या राज्यों में दूसरे पार्टियों की सरकारें बने, इस पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया।